ओके ठीक है, सबको पेज देखना है, किसी को कुछ नोट नहीं करना, कुछ नोट करना होगा बुक में वहीं में पॉइंट आपको बनवा दूंगा। ओके सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन ओ, ये डेफिनेशन, डेफिनेशन में वो दे रखा है कि ये सारा का सारा एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब तो हट गया ठीक है, तो अब एक्सेप्ट ऑल ऑफ इंडिया आ गया। खैर ये सब पेपर में नहीं पूछेगा। सेक्शन टू में आते हैं, टू ए में सबसे पहले बात कहता है ऑफर की, ऑफर या प्रपोजल। ऑफर या प्रपोजल क्या होता है, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कुछ करने को या कुछ ना करने को कहता है, ठीक है। लाइक मैं आपसे कहता हूँ ये कर दो, तो मैंने आपको एक प्रपोजल दिया या फिर मैंने आपको एक ऑफर दिया, या मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत करो, तो ये भी एक ऑफर या प्रपोजल है। देन आता है एक्सेप्टेंस, कि जो भी प्रपोजल दिया गया है अगर आप उस प्रपोजल पे यस कर देते हो तो वो एक्सेप्टेड हो जाता है। उसके बाद जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। पर प्रॉमिस किस लिए होते हैं, एग्जैक्टली ये हम नहीं कहते, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, इसीलिए कहता है प्रॉमिस पे मत मानो, कॉन्ट्रैक्ट बना लो उसको, ठीक है। सो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के बाद दो लोग आते हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसी जो प्रॉमिस को लेता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बोले तो समथिंग इन रिटर्न, कि आपने जब प्रॉमिस किया और प्रॉमिस में एक बंदा कुछ एक्टिविटी करेगा, दूसरा उसके बदले में कुछ देगा, तो यहाँ पे कंसिडरेशन आ गई। और कंसिडरेशन आते ही एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, लीगल या फिर नॉट लीगल। तो लीगल के लिए जो भी एग्रीमेंट लीगल है वो सब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, जो लीगल नहीं होंगे वो सिर्फ एग्रीमेंट रहते हैं। एंड याद रखना एक चीज पे एग्री होना एग्रीमेंट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्री होने से ही कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती, लीगल ऑब्लिगेशन के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी होता है। सो यहाँ से हमें पता चला कि सबसे पहले होगा एक ऑफर या प्रपोजल, उसको मिलती है और क्या बन जाता है, पहले बनता है प्रॉमिस, और फिर प्रॉमिस में हम ऐड कर देते हैं कंसिडरेशन और बन जाता है फिर एग्रीमेंट में हम क्या ऐड करते हैं, एग्रीमेंट में हम करते हैं लीगल एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी मतलब जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगा एग्रीमेंट, कि अगर कोई भी पार्टी अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करेगी तो नेक्स्ट पार्टी को उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का पूरा राइट हो अंडर द लॉ। ये बन जाता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट। ओके ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं और एग्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं। वैसे ये होते तो तीन टाइप के, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वैलिड और वॉइड की बात करेंगे, वॉइडेबल की बात हम यहां नहीं कर रहे। वॉइडेबल भी हो रहे हैं फिलहाल, मैं वॉइडेबल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो वैलिड होते हैं। तो कानून कहता है आप ना किसी भी काम में एग्री कर जाओगे जब दो लोग, और बीच में कंसिडरेशन आ जाएगी, तो वो एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर आप कोई चीज ऐसा करते हो जो आईपीसी में मना है या फिर जो स्पेशली गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, इस चीज पे एग्री होना भी वॉइड होता है। दैट मीन्स अगर आप एग्री हो गए वो भी वॉइड है। तो अगर एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया उसका कॉन्ट्रैक्ट बनना तो सवाल ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टू रेस्ट्रेन समवन फ्रॉम मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, आप कहते हो कि भाई तुम शादी मत करना और ये पैसे ले लो, तो इस ये जो एग्रीमेंट है वो बंदा शायद सामने से बोले ठीक है आप पैसे दे दो मैं तो नहीं करूंगा, और उसी पैसे से शादी भी करके आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इस केस में आप उस बंदे को जिसने पैसे यूज कर लिए और शादी भी कर ली, तो आप बाद में केस नहीं कर सकते कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वॉइड था। नेक्स्ट, टू रेस्ट्रेन समवन फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, टू रेस्ट्रेन समवन फ्रॉम बिजनेस, किसी को बिजनेस करने से रोकना, किसी को उसके हिस्से की लीगल प्रोसीडिंग से रोकना, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी की सारी चीजें वॉइड एग्रीमेंट होती है। लाइक मैं किसी को पैसे देता हूँ और बोलता हूँ जाओ मेट्रो में आग लगा के आ जाओ,
ठीक है। सो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, अगर वो आग लगा के आ जाएगा वही फंसेगा, वो बोलेगा कि मेरे को तो इसने पैसे दिए थे, मेरा कुछ नहीं है भाई, तुम अपना अपना देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्या बोलता है, जब एग्रीमेंट प्रॉपर होगा, वैलिड एग्रीमेंट होगा और लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी, कि अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो आप हमें कहां ले जाओगे, आप हमें कोर्ट में ले जाओगे, हमारे अगेंस्ट सुनवाई होगी और जो भी सीन होना है वो सारी चीजें होगी। तो ये दोनों चीजें हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वैलिड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, तो याद रखना हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम पे वैलिड होता है। तो मतलब ये लगा लो कि ये ना एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मृत्यु आ गई। क्या आ गई बच्चों? तो ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम पे क्या रहा होगा? तो जिस दिन, याद रखना जिस दिन ये वॉइड हो गया ना उस दिन इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु से पहले तो वो जीवन था, खिलखिला रहा था, हंस रहा था। तो यही होता है कि जो वैलिड सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक टाइम तक वैलिड होते हैं, लेकिन फिर ड्यू टू चेंज इन सब्जेक्ट मैटर, या फिर सब्जेक्ट मैटर में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कानून ही बदल जाता है, कानून के बदलने की वजह से वो चीज भी बदल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि धीरज रोज मुझको इस बोतल में पानी ला के देगा, ठीक है। अगले एक महीने तक की मैंने उसे पेमेंट कर दी, तो 16 तारीख तक हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। 16 तारीख के बाद ड्यू टू कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा हुआ कि ये बोतल फट गई, टूट गई, चिथड़े हो गए इसके, ठीक है। अब जिस चीज में पानी देना है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, वही नहीं रहेगा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड हो सकता है? हमारा वैलिड नहीं होगा। सो दैट मीन 16 तारीख से पहले पहले तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और 16 तारीख के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन, पॉलिसी या लॉ में कोई चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं जम्मू कश्मीर में जाके अपनी सब्जियां बेचता था, ठीक है। तो मैंने वहीं किसी बंदे से कहा था कि भाई मैं, तुम मुझे एक महीने के पैसे दे दो और मैं एक महीने तक डेली यहाँ के सब्जी बेचूंगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 15 तारीख से कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पे अंदर आके कोई चीज नहीं बेच सकता। तो मेरा जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था वो 15 दिन तक तो ठीक था, जब तक कानून का वो पर्टिकुलर रूल नहीं आया था, और उस रूल के आते ही वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जस्ट इंडिया पाकिस्तान का कुछ दिन पहले आपको पता है सबके बायलेटरल बिजनेस सारे के सारे चल रहे थे, सारे के सारे कमर्शियल एग्रीमेंट्स वो थे, वैलिड थे। अभी पाकिस्तान वालों ने अपनी तरफ से वो कर दिया कि हम इंडिया के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, और इंडिया को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, पता है आपको? नहीं सुना आपने? पूरे 30 रुपये मम्मा, इंडिया को कितना नुकसान हुआ, पूरे 30 रुपये। ये एक वो है, नीम है, खैर। सो इंडिया को कोई नुकसान नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, बट उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, नुकसान से अगर आप लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो या फिर जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हो, तो सोचना जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है अभी इमरान खान, उस बेचारे की किस्मत कितनी खराब हो रखी है कि एक ना मेंटल सपोर्ट के लिए इंडिया खड़ा रहता था उसके साथ, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कितना भी वो हो मेंटल सपोर्ट के लिए। अब उसके पास उसका मेंटल सपोर्ट नहीं है, प्लस जब उसे पाकिस्तान मिला ना, पाकिस्तान अंदर से पूरा खोखला, उसके पास कोई पैसा नहीं है। नेक्स्ट, अब वो कहीं पे भी पैसा मांगने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले तुम लोग अपना आतंकवाद खत्म करो। अब वो एकदम से खत्म हो नहीं सकता बिना पैसों के। अंदर आपको पता है वो दूध कितना रुपए का मिल रहा है अभी? आज पाकिस्तान में दूध का रेट 170 रुपए लीटर है। सर, अभी तो उसका वो भी तो है कि रोटी वहां पे 40-50 रुपए की बिकती थी, वो कराया उन्होंने, कम कराया, 15-20 रुपए कम कराया। मतलब कि वहां पे जो हालत है ना वो बहुत बुरे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो इमरान खान का बहुत ज्यादा हार्ड लक टाइप चल रहा है, कहते हैं ना सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो जैसे ही बंदा पाकिस्तान का पीएम बना ना, पाकिस्तान को जहां जहां से जो जो मिल रहा था वो सारी की सारी चीजें कम होने लग गई। खैर, हाँ, ये आप थोड़ा सा एनालाइज करना। खैर, तो क्लियर हो गया आपको वॉलेट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, एक केस लॉ आएगा,
जितने भी असेंशियल्स हैं आगे जाके ये सब चैप्टर्स बनेंगे आपके, और किसी भी एक से रिलेटेड केस लॉ आएगा, याद रखना डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा कि इसको समझाओ, केस लॉ आएगा आपको घुमा फिरा के एक केस दे देगा और आपको बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास असेंशियल में, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो कहता है ये नीचे हमने उसका ब्रेकअप कर दिया किस किस चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले कहता है प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो कहता है कि प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और प्रॉपर एक्सेप्टेंस, और उसके बाद ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप या नॉट लीगल रिलेशनशिप, अच्छा ठीक है, हाँ टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कि आपने और मैंने मान लिया कि हम ये काम करेंगे, और उसके बाद अगर हमने से कोई काम नहीं करेगा ना तो फिर आप सामने वाली पार्टी को कोर्ट तक ले जा सकते हैं। जब हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे सोने का कुछ चाहिए, मैं रात को उसके लिए तकिया ले गया, ठीक है, तो वो कहती है मैं जाऊंगी आप तो जज के पास जाऊंगी, तुमने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया। भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या गलत किया मैंने? नहीं, मैंने बस मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन, सॉरी। तो डोमेस्टिक लेवल पे क्या वो मेरे खिलाफ चली जाएगी पुलिस में कि इसने ये कर दिया वो कर दिया? क्यों? क्योंकि वहां पे लीगल लाइबिलिटी नहीं होती है। तो ये कहता है ना इट इज क्रिएटेड क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ठीक है। सो वो लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। क्या आपके और मेरे बीच में लीगल रिलेशनशिप है? अगर आप मेरे को पैसे नहीं देते, मान लो किसी बच्चे ने मुझे फीस नहीं दी, जैसे मेरे को काफी सारे बच्चों ने फीस नहीं दिया है, पुराने कुछ बच्चे हैं तो उन्होंने फीस नहीं दी, क्या मैं उनके अगेंस्ट जाता हूँ? नहीं। तो मेरा भी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर मेरा ये डोमेस्टिक टाइप की एक्टिविटी है तो क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी है? नहीं। तो क्या मैं घर में बैठ के पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए जो टीचिंग एक्टिविटी होती है उसको कमर्शियल एक्टिविटी तब तक नहीं माना जाता जब तक एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो होता है ना जिसमें सारी की सारी फैसिलिटीज होती है वो ना हो। ओके, नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? ये आगे हम कंसिडरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ बदले में। तो कहता है बदले में जो चीज मिल रही है, लाइक मैं एक बंदे का काम कर रहा हूँ कि मैं उसको अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, और बदले में वो कहता है कि मैं तुम्हें कैश दूंगा जो मैंने कल बैंक से लूटा है, ठीक है। सो कंसिडरेशन में वो जो चीज दे रहा है वो जब बैंक से लूटा हुआ पैसा है तो उस पैसे पे ओनरशिप किसकी है? हमने पढ़ा था ना वो एडवर्स वाला गुड, क्या गुड टाइटल, गुड टाइटल, एडवर्स टाइटल एंड बैड टाइटल। तो कैसा टाइटल होना चाहिए? गुड टाइटल। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा यार मेरे को आप अपना फोन दे दो और मैं धीरज का पर्स उसको दे दिया, तो यहाँ पे मैंने गलत तरीके से किया। या फिर मैं कहता हूँ कि भाई अगर तुम मेरा काम कर दोगे बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का सर ला के दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंसिडरेशन है ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं होती है। और उसने क्या बोल दिया? कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, ठीक है, कानून के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है पावर, कि बंदे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर होनी चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर कहाँ से आती है धीरज? कहाँ से आती है? क्या ये पावर बॉन्विटा पे क्या आती है? नहीं। किस तरीके से आती है? ये कानून ने ही बता रखा है कि जैसे उसने कहा कि भाई 18 साल का मिनिमम कोई भी इंसान होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर माइनर है, ये हम आगे माइनर में पढ़ेंगे, अगर माइनर है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, अगर उसे कुछ मिल रहा होगा तो, ठीक है। उसके बाद कहता है बंदा मेंटली ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर बंदा मेंटली ठीक नहीं होगा ना, मान लो कोई भी बंदा शराब के नशे में होता है तो शराब के नशे में वो कहता है कि तू बोल तुझे क्या चाहिए मैं लाके दूंगा, है ना। शराब के नशे में उससे जो मांग लो आप मांग सकते हो, और सुबह फिर वही कहता है वो 10 रुपए का रिचार्ज करवा देता तो थोड़ा काम बन जाता है, ठीक है। सो जब तक बंदा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल या फिर किसी भी नशीले पदार्थ के इन्फ्लुएंस में होता है तो वो अपने साउंड माइंड में नहीं होता, और कानून में लिखा है कि अगर बंदा साउंड माइंड का नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और अगर साउंड माइंड का नहीं है तो कैसा हो गया? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड किसी भी तरीके का हो सकता है, पागल हो सकता है, सनकी हो सकता है, और जैसे शराब पी रखी है ना तो जब तक उस पे शराब का नशा है तब तक वो
अनसाउंड माइंड है लेकिन बाद में वो साउंड माइंड हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के बंदे से आप कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहता है एलियन एनिमी। अब जैसे कुछ टाइम पे देखना पाकिस्तान ऐसी अफवाह फैलाएगा कि भाई अब तो हम भारत को छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम युद्ध कर देंगे। युद्ध करने के भी पैसे नहीं है उनके पास, 3 दिन युद्ध चला सकते हैं, उसके बाद उनके पास पैसे भी नहीं है, वो युद्ध भी नहीं कर सकते। क्या करे बेचारा, कुछ भी नहीं कर सकता इमरान खान। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम इंडिया पे वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बाई चांस अगर उन्होंने इंडिया पे अटैक कर दिया तो अटैक करते ही दोनों कंट्रीज वॉर में आ जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। और जैसे ही वॉर में आ गई दोनों कंट्रीज तो वो लोग हमारे एलियन एनिमी हो जाएंगे। एलियन एनिमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, वो बात अलग है कि उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट सारे खत्म करवा दिए, खत्म नहीं करवाए, होल्ड पे रखे हैं, बाद में जब ठीक होगा सब रीओपन हो जाएंगे। एलियन एनिमी के बाद कहता है फॉरेन एम्बेसडर। फॉरेन एम्बेसडर फॉरेन एम्बेसी में होता है। आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी है इकोनॉमिक्स, या धीरज के अलावा? धीरज ने भी पढ़ी है, अच्छा यहाँ पढ़ी होगी ना, ठीक है। नेशनल इनकम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नेशनल इनकम में जब नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो जीडीपी आता है ना, जीडीपी। तो जीडीपी में जो डोमेस्टिक का मतलब होता है क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अलावा कहता है कि कुछ बाहर जो लोग बैठे हैं ना, जैसे इंडिया का कोई बंदा बाहर, जैसे फॉरेन एम्बेसडर हो गया अमेरिका में, यूएसए में, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो जो कमा रहा है वो भी हम NFIA नेट वेक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मानते हैं और ऐड कर देते हैं उसको। तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था कि जो बंदा फॉरेन एम्बेसडर होता है ना, ये लॉ के हिसाब से, फॉरेन को छोड़ी नहीं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जापान एम्बेसी है, तो जापान एम्बेसी का वो जो एरिया है ना, है तो वो दिल्ली में चाणक्यपुरी में, लेकिन उसको आप जापान ही मानते हो, ठीक है। और अगर उतना पोर्शन जापान है तो उसके अंदर जो जो बैठा है और उस जगह पे आप अपने रूल नहीं लगा सकते, आपका लॉ वहां पे नहीं फॉलो होगा। और जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं सबको इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी मतलब कि कुछ भी कर देंगे उन पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सोचो कि अगर एम्बेसी के गेट के बाहर आके एक को शूट कर देता है और इधर आ जाता है, पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती, अगर वो एम्बेसी के अंदर आ गए, ठीक है, इतनी पावर होती है, इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती है उसमें। तो इवन आप भी कुछ उल्टा सीधा कर दो तो कहां भागना है, एम्बेसी, पुलिस नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं होगा, उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इसका एक वो केस आया था, एक IAS थी इंडिया की जो USA में सर्व कर रही थी, तो उसने अपनी जो सर्वेंट होते हैं उनके साथ कुछ बदतमीजी करी थी, तो उसके अगेंस्ट वहाँ केस चला था जो कि चलना नहीं चाहिए। ये फिर इंटरनेशनल कोर्ट में बात करी थी, इंटरनेशनल कोर्ट में भी USA के ही लोग बैठे हुए थे, सारा दबदबा USA का ही है, इसीलिए USA सबसे पावरफुल कंट्री है। तो उस बंदी को जो IAS था, IAS लेडी थी, वो वापस इंडिया भी आ गई, प्लस वहाँ पे कंपनसेशन भी पे करके आई करोड़ों रुपए का उस नौकरानी को, क्योंकि कुछ बदतमीजी से बात करी थी। आपको पता है वहाँ पे ना आप अपने सबऑर्डिनेट से, स्पेशली जो नौकर होते हैं उनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, और इंडिया में पानी ला, अरे इंडिया में तो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। खैर अपने को क्या, ये फॉरेन एम्बेसी वाला सीन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहता है हमारे पास लीगल ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारे पास एम, तो जो हम काम करने वाले हैं ना, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, वो काम, किसी अपना काम निकालना हो, किसी का भला करना हो, किसी भी तरीके से काम ऐसा ना हो जिसमें हम कोई फ्रॉड कर रहे हो, किसी का नुकसान कर रहे हो, या फिर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है इट शुड बी ऑल्सो लॉफुल। नेक्स्ट कहता है पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, कहता है कि पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म के लिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें अभी लाइव महात्मा गांधी जी का एक लेक्चर दिखाता हूँ। महात्मा गांधी जी कहाँ से आएंगे परफॉर्म करें, ठीक है। अच्छा मुजाहिद, इस पॉइंट की वजह से तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि तू बोलता है मैं सीधा चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, ठीक है। अब देख फिर बात जो शुरू होगी तो दूर तलक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, दूर तलक जाएगी।
अच्छा नेक्स्ट चलते, मतलब पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, सिंपल सी बात है. नेक्स्ट कहता था टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आर सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन. तो जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें जो चीज है वो सर्टेन होनी चाहिए. यू नो व्हाट इज सर्टेन? सर्टेन एंड डेफिनेट, कि जिसका आपको पता है, बिल्कुल निश्चित, निश्चित होना चाहिए जिसका पता है, या फिर ऐसा हो जिसका पता चल जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को अपना आम का बाग बेच दो. तो आम का बाग आप बेच रहे हो तो मैं आम का बाग कभी लेके जाऊंगा नहीं, उसमें जो भी आम होंगे जब वो गिरेंगे या फिर मैं तोड़ूंगा मैं उसको लेके जाऊंगा. अब वो पहले तो नहीं पता होगा लेकिन जब टूटेंगे उसके बाद आप सर्टेन कर लोगे कि हाँ भाई इतने केजी आम मेरे को यहाँ से मिलेंगे. ठीक है, सो ये था हमारा फ्यूचर में सर्टेन होना. लेकिन कोई चीज ऐसी है जो अनसर्टेन है, आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते. ये तो छोड़ो, यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किस किसने पढ़ा हुआ है? AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? पढ़ा ही हुआ है. छोड़ो छोड़ो. शिवा अनसर्टेन पड़ा होगा. ठीक है, ये था हमारे पास अनसर्टेन. तो AS 9 में भी आपने पढ़ा हुआ है कि आप रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक सेल का अमाउंट, सेल जिस पर्सन को करिए और सेल का पैसा मिलेगा या नहीं, ये तीनों की तीनों चीजें सर्टेन ना हो जाए. तो सेल कॉन्ट्रैक्ट भी तब तक वैलिड नहीं है जब तक वहां सर्टेनिटी नहीं होती. सिमिलरली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी सर्टेनिटी के लिए बोल रहा है. उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट कहता है नॉट डिक्लेयर्ड, हाँ नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, कि कानून ने उसको पहले से ही वॉइड ना बोला हुआ हो. नेक्स्ट कहता है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज. नाउ व्हाट आर नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज? अगर आपका इंस्टीट्यूट आपसे कहता है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना है और आप कहते हो नहीं मैं तो एप्लीकेशन लिख के जाके जमा करवाऊंगा, तो आप वो जो एग्जाम देने का कॉन्ट्रैक्ट है, आप एग्जाम दोगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप ऑनलाइन नहीं दोगे. और उसने बोला है ऑनलाइन देने के बाद आपको फीस भी पे करनी है, सारा फॉर्म भर दिया लेकिन फीस पे नहीं करी. तो ये छोटी छोटी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं. फ्यूचर में आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो काफ़ी सारी जॉब में आप यहाँ से फॉर्म भर के भेजोगे. नॉर्मली सब ऑनलाइन है लेकिन कभी कभी दिखता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है और आपने उसे स्पीड पोस्ट से भेज दिया या नॉर्मल पोस्ट से भेज दिया, स्टिल आपने एक लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी. सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके इस एक्ट को वैलिड कर दे या फिर इस एक्ट को रिजेक्ट कर दे. अगर उसने आपके इस एक्ट को, जो कि गलत है ना, आपको करना था रजिस्टर्ड पोस्ट, आपने पोस्ट आपने कर दिया ऑर्डिनरी पोस्ट, तो वो आपके एक्ट को रेटिफाई कर सकता है. वो सामने वाले के पास पावर, रेटिफाई मतलब चलो ठीक है कर दिया, ठीक कर दिया हमने. ओके, ये हो गया बच्चों हमारा खत्म नेसेसरी. आगे चलते हैं. आगे कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो बच्चों ऑल एग्रीमेंट, यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को मान लो कि ये कौन है, ये कौन है, कहता है जितने भी बूढ़े हैं वो बच्चे थे, लेकिन जितने भी बच्चे हैं जरूरी नहीं है वो बूढ़े होंगे. क्यों? क्योंकि बीच में जवानी का खेल है. ठीक है, सो एग्रीमेंट जिसको लीगल एनफोर्सेबिलिटी मिल गई वो क्या बन गया? वही है ये देखो कि मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो. बस वही था, इसीलिए मैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, वरना बात नहीं अलग ही जगह चली जाएगी. चलो ये बात क्लियर हो गई मुझे. टाइम कम है ना, 2 घंटे की क्लास होती तो मैं ले जाता वहां. चलो हाँ मुझे अरे क्यों हो गया, क्यों किताब हाथ में होता तो झूठ क्यों बोलते, क्या बात कर रहा है. ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस दे रखा है, छोटा स्टार. चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में ये 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में कहीं एक इसमें से मिल जाएगा. सबसे पहले आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट आर एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट? वो कॉन्ट्रैक्ट जो ओरली या रिटन में कहीं पे एक्सप्रेस किए गए हैं. नॉर्मली हमारे देश झूठे लोगों का देश है, इसलिए ओरली कॉन्ट्रैक्ट पे कोई बिलीव करता नहीं है, रिटन वाले में सब बिलीव कर लेते हैं. ठीक है, मान लो कलीतिका ने मेरे को पैसे दिए हैं,
ठीक है, मैं इतनी करके पापा को फोन करके बोल देता हूँ कि मेरे को तो कोई फीस नहीं आई, उसने चश्मा बनवा लिया फीस का। ओके, हाँ मेरे को फीस नहीं आई इतिका की। अब क्या इतिका के पास कोई सबूत है मेरे अगेंस्ट? उसके पापा तो उसको डांटेंगे, है ना। सो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि बंदा झूठ बोल दे, इसीलिए आप इतिका कहते सर एक मिनट सर ये पैसे लेते हुए एक सेल्फी ले लो मेरे साथ ताकि सबूत हो जाए। सबूत बहुत जरूरी है और कहीं पे लिखवा लो, साइन करवा लो नोटरी पे, वो और ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे मेरे को कितने बच्चों ने फीस दी है, जिसने भी दी है, किसी को कोई रिसिप्ट मिली है? अच्छा जो ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन वाले दया से, जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनकी तरफ से मेरे को अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। प्रैक्टिकली किसी के पास सबूत नहीं है, हैं? परसों तेरी तरफ से कुछ नहीं आया मेरे को, तूने निकाला मुजाहिद को दिया, उसके बाद मेरे को नहीं पता कहाँ है। ऑफलाइन वाले मेरे को किसी की कोई पेमेंट नहीं मिली है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ, इसीलिए लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ओरल का आप कहते हो ना कि रिटर्न में जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि ओरल में ऐसे लोग होते हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ बता रहा हूँ, तो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात से हट जाते हैं। सर आप ऐसे ही हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक बंदा एक ऐसा एक्ट करता है कि उस एक्ट में, जिस एक्टिविटी में वो घुस रहा है उसमें वो खुद ही ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। यहाँ कोई बताने वाली बात नहीं होगी, कोई पूछने वाली बात नहीं होगी। मान लेते हैं अब आकाश यहाँ पे नया बच्चा है, तो आकाश को किसी ने बता रहा है सीएमई की क्लास होती है, ये डेली यहाँ आता है, बैठता है, पढ़ता है, चला जाता है। एक महीने बाद मैंने इससे कहा फीस, तो ये कह रहा है कैसी फीस? मैंने कहा तू मेरे से क्लास ले, मैं क्लास लेने थोड़ी आया, मेरे को इस चेयर पे बैठना अच्छा लगता है, मैं तो इसलिए डेली यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। सो क्लास में आना, क्लास लेने का मतलब क्या है कि वो मेरे से टीचिंग सर्विस ले रहा है। सिमिलरली आप बस में चले जाओ और बस में चढ़ के जब कंडक्टर बोले टिकट, तो अरे जाना नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ बस अंदर से डिजाइन क्या है इसका, मैं तो डिजाइन नोट करने आऊँ, ट्रेवलिंग करना मेरा एम नहीं है। क्या मान जाएगा कंडक्टर? और जाट होगा तो फिर फिर वो और अच्छे से बताएगा, और उसके बाद ड्राइवर जाट होगा, फिर इनका तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। खैर, सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने खुद एक एक्ट करके अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जहां ओरली किसी भी बात का होना जरूरी नहीं था। नेक्स्टआता है हमारे पास टेसिक कॉन्ट्रैक्ट। टेसिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी ये होता है आपने एक्टिविटी कर दी और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए, और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं नहीं टेसिक कॉन्ट्रैक्ट वंस अगेन कि जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है ये सब होता है, वो सब नहीं होगा। आप गए एटीएम कार्ड डाला, पासवर्ड डाला, 5,000 रुपए निकाले और जैसे पैसे बाहर, हाय तौबा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप ये कर रहे हो। तो जब आपने एटीएम में पिन डाल के पैसे निकाले, विड्रॉ किया, इसका मतलब था कि आपको पैसे चाहिए थे। आप ये नहीं बोल सकते कि बैंक की गलती है कि पिन डालने के बाद पैसा भी बाहर आ जाता है विड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि विड्रॉ करने का मतलब ही ये है कि आप बैंक को एक वो दे रहे हो कि भाई मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। इसको बोलते हैं टेसिक कॉन्ट्रैक्ट कि आपने एटीएम से पैसा निकाला, ठीक है। ऐसी होता है बोली लग रही है, मान लो मैं बोली लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं बोली किस चीज की लगा रहा हूँ? मैं बोली लगा रहा हूँ इसके चश्मे की। ओके, बोली लग रही है 1,00,000, ठीक है, 1,00,000, ये कहती है 2,00,000, वो कहती है 3,00,000। इतने में मुजाहिद कहता है, सुनो तो, इतने में मुजाहिद कहता है ये तो बच्चे हैं, मुजाहिद कहता है 1,00,000। अच्छा आप मुजाहिद को पता है कि जेल में 51 रुपए हैं, लेकिन बोल देता है 1,00,000। अब जब इसने बोला 1,00,000, तो मैं बोलूंगा 1,01,02,01,03 फॉल ऑफ हैमर। एंड आपको पता है फॉल ऑफ हैमर होते ही मुजाहिद का और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मैं मुजाहिद को कहूंगा पैसे, तो मुजाहिद कहता है कैसे पैसे? मेरे को लगा गेम चल रहा है, वैल्यू बढ़ा के बोलनी है, मैं तो गेम खेल रहा था, तो क्या मैं मान जाऊंगा? नहीं, अगर फॉल ऑफ हैमर पे उसके हाईएस्ट वैल्यू था, ही हैज टू पे दैट। सो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को भी आप टेसिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, कि यहाँ पे भी हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन जहाँ पे बोली लग रही है वहां पे आप जा रहे हो और आपने हाईएस्ट फिगर बोली है, तो यू हैव टू पे दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मेरे पास काजी कॉन्ट्रैक्ट। काजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी वही होते हैं जहां पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल नहीं होंगे, सारे के सारे एसेंशियल्स मिसिंग होंगे, लेकिन एक बंदा किसी दूसरे बंदे के राइट को खराब कर देगा
या दूसरे बंदे के साथ कुछ गलत कर देगा, और फिर लॉ कहता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको कंपनसेट होने का पूरा राइट है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने लिए एक पिज्जा मंगवाया था, ठीक है, नीचे धीरज मिल गया, धीरज ने कहा अरे ये तो मैंने ही मंगवाया, नीचे बोल के वही साफ कर गया। अब साफ कर गया तो पिज्जे वाले ने कहा इससे कि भाई पैसे दो इससे, तो धीरज कह रहा देख अभी दो घंटे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हमारे दोनों के बीच में कोई भी असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मौजूद है, ना ही मैंने तेरे को कॉल करके कोई ऑफर दिया, ना ही तूने उसे एक्सेप्ट किया, ना ही कोई कंसिडरेशन की बात हुई, सो व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑल द असेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, मैं तुझे पैसे क्यों दूं। इतने में वो बंदा रोने लग गया, रोते रोते संजय ने देख लिया, संजय ने कहा क्या हुआ भाई तुझे, उसने कहा भाई वो पिज्जा खा गया और कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो संजय कहता है कोई बात नहीं भाई, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो कासी कॉन्ट्रैक्ट है, तेरे साथ गलत हुआ है तो अपना कंपनसेशन लेगा, क्योंकि लॉ ने बोला है अगर आपने कभी किसी के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी के साथ लीगली या लॉ के हिसाब से कुछ गलत किया है, तो फिर आपको उस बंदे को कंपनसेट करना पड़ेगा। लॉजिकली भी सोचो, अगर इसने पिज्जा खाया तो भाई और बहनों इसे पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ठीक है, तो ही हैज टू पे फॉर दैट, इवन देयर वाज एब्सेंस ऑफ ऑल द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है काजी कॉन्ट्रैक्ट, आगे डिटेल में बहुत पढ़ाई है, वहां पे देखेंगे, चैप्टर है पूरा। नेक्स्ट कहता है ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास एक मेल आया कहता है कि भाई अगर आपको जॉब करनी है तो आप अपना रिज्यूम भेज दो, तो जब आप अपना रिज्यूम भेज रहे हो बाय मेल रिवर्ट कर रहे हो, दैट मींस आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट दो पार्टी में से एक पार्टी किसी दूसरे के साथ गलत करती है, इनजस्टिस करती है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, किसी का फायदा उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवांटेज लेना तो अलग ही हो गया, खैर जो अमीर लोग गरीब लोगों का करते हैं एक्सप्लॉइटेशन, यस, तो मान लो कि एक बंदे ने किसी भी रीजन से किसी भी तरीके से दूसरे पार्टी को एक्सप्लॉइट किया, कॉन्ट्रैक्ट में गलत तरीके से लाए या फिर गलत तरीके से उससे चीजें ली है, तो फिर यहाँ पे जिस बंदे के साथ गलत हुआ उसको हम बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी के पास एक ऑप्शन आता है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, इसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना है व्हाट आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, मतलब वैलिड हो सकता है दोनों चाहे, बिल्कुल एग्रीव्ड पार्टी जैसा बोलेगी वैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले तू खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है, तेरे को देख के लोग कांपते हैं, तो तूने मेरा फोन देखा, तूने पूछा हाँ सर ये फोन कितने का है, मैंने कहा 10,000 का, तूने कहा ये लो सर 10 रुपये और ये लो 1,000 रुपये, 10,000 और मुझे ये फोन दे दो, तो मैंने कहा सर ये तो 1,010 रुपये, फिर तूने दूसरी निकाली बंदूक, कह रहा लेना है कि नहीं, मैंने कहा आप ही का ही फोन है सर, पैसे भी क्यों दे रहे हो, ठीक है, बंदूक दे के तो कोई भी डरेगा ना, अब मैंने दे दिए, इसको कोर्शन बोला जाता है लॉ में, आपको पता होगा कि उसने मेरे को किसी चीज को डरा धमका के मेरे से चीज लिए या पैसे लिए, अब इसने 1,010 रुपये तो मुझे दे दिए, अब मेरे जो 8,990 रुपये बचे हुए हैं मैं कोर्ट के पास जाऊंगा बोलूंगा उसने धमका के मेरे को फोन लिया, तो कोर्ट मेरे को ऑप्शन देगा कि भाई आप चाहे तो इसे वैलिड कर दो, आप चाहे तो इसे अवॉइड कर दो, मैं पूछता हूँ कि अगर वैलिड कर रहे हैं तो क्या, तो वो कहेगा ठीक है बाकी के बचे पैसे हम दिलवा देते हैं, तो कोर्ट इसको धमकी देके हमें पैसे दिलवाएगा, अगर मैं कहता हूँ इसको वॉइड कर दो तो वॉइड जब करेंगे तो मेरा फोन मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। आगे बढ़ते हैं, मुझे आगे कहते हैं आपके पास ये हमारे पास अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो अनएनफोर्सेबल, याद रखना जहां एनफोर्सेबिलिटी आएगी वहां पे लीगल आ जाता है, लॉ आ जाता है बीच में, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें लॉ बीच में आ ही नहीं सकता वो सब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे मतलब आप इसे कॉन्ट्रैक्ट ना मान के हाउस होल्ड एग्रीमेंट इसका एग्जांपल हो गया, हाउस होल्ड एग्रीमेंट में भी कभी भी एनफोर्सेबिलिटी बीच में आएगी नहीं। नेक्स्ट या डोमेस्टिक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट,
इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पता है जहाँ पे आप लॉ के अगेंस्ट कोई बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, दैट आर इलीगल. नेक्स्ट कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन. सबसे पहले कहता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो भी पार्टीज ने कस्मे वादे करे थे वो पूरे कर चुके हैं, वो हो चुके हैं एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट को एग्जीक्यूटरी कर दो. ये जो भी ये देख रहा है टेबल उसमें एक दोनों ही एग्जीक्यूटेड लिखे हुए हैं पेज नंबर 6 पे. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसका बी पॉइंट एग्जीक्यूटरी करता हूं. यस, ए और बी दोनों एग्जीक्यूटेड हो रखे हैं तो बी एग्जीक्यूटरी है. एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या हुआ? टू बी डन. सो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने आपस में जो भी बोला है वो चीजें फ्यूचर में होगी. दोनों पार्टीज को अपनी परफॉर्मेंस देनी है. नेक्स्ट आती है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी. अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक लंबे टाइम के लिए, जैसे मैं कहता हूँ एक महीने तक डेली मैं किसी चीज की सर्विस ले रहा हूँ, तो 15 तारीख तक आधा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अगले 15 दिनों में आधा कॉन्ट्रैक्ट होना है. आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. एक होते हैं बच्चों बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. लायबिलिटी के हिसाब से बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों ही जो बंदे हैं उन्होंने अपने हिस्से की लायबिलिटी पूरी नहीं करी है. लायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों ऑब्लिगेशन. जैसे मैंने धीरज से कहा कि भाई ये लो पैसे और बदले में किताब दे दो, तो ना मैंने धीरज को पैसे दिए ना उसने मेरे को किताब दी. इसको हम बोलते हैं किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बायलेटरल. मतलब बायलेटरल परफॉर्मेंस बाकी है. नेक्स्ट आ गया यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे एक ही बंदे की परफॉर्मेंस बाकी है कि मैंने पैसे तो दे दिए पर मेरे को किताब नहीं दी. चलिए आगे चलते हैं. ये भी आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना. चलिए अब हम आ गए ऑफर में. एक बार आप ऑफर की ये जो डेफिनेशन दे रखी है इसको रीड करो फिर हम करें. ओके बच्चों ऑफर शुरू करते हैं. ऑफर से भी आपका जो ये वैलिड रूल्स आ रहे हैं ऑफर के एक्सेप्टेंस के ये एग्जाम में आ रखे हैं कि व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर वैलिड ऑफर या फिर वैलिड एक्सेप्टेंस. तो शुरू करते हैं. कहते हैं ऑफर कहते हैं व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन आइदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड to be, it is said to be girl, it is said, हाँ, he is said to make a proposal, ठीक है, कुछ नहीं करना. तो ये कहता है कि जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कुछ करने के लिए कहे, एक act को करने के लिए कहे या abstain करे, किसी चीज को करने से रोके. abstain मतलब होता है रोकना. आगे कहता है with the view to obtain the assent, सामने वाले बंदे की yes लेने के लिए. For example बच्चों, अभी मैंने आपसे पूछा कि पिज्जा खाओगे, क्या मैं आपको ऑफर दे रहा था? नहीं, मैं नहीं दे रहा था. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी हाँ बोले. लेकिन मैं इतिका को कह रहा था तो ऑफ कोर्स इतिका के लिए वो ऑफर था, क्योंकि ठीक है वो अलग बात है मैं वैलिड नहीं होने दूंगा, बट इतिका के लिए ऑफर था. सिमिलरली बच्चों, जब आपके घर में मेहमान आते हैं आप उनके लिए चाय और वो रख देते हो बिस्कुट और आप कहते हैं लीजिए लीजिए, तो आप चाहते हो वो ले? नहीं. तो वो क्या ऑफर है? वो ऑफर नहीं है. आप चाहते हो लीजिए लीजिए, वो कहते हैं अरे नहीं मैं तो बस दो ही लेता हूँ. नहीं ये आपका आठवा है. तो ऐसा भी होता है. जैसे किसी ने मेरे को काजू खाने के लिए टोका था, मैं काजू खा रहा था ना, तो मैं दो चार ही खाता हूँ. खाने के लिए तो आप बार बार खा रहे हो. मैंने कहा अच्छा, कह नहीं वो तो गर्म होते हैं, मैंने तो बस इसीलिए बोला. ठीक है चलो. तो यहाँ पे एक जो चीज क्लियर है वो ये कि सिर्फ एक ऑफर देना काफी नहीं है. आप यस जब चाहते हो तब वो ऑफर माना जाएगा, उसके बिना नहीं माना जाएगा. ठीक है, अब ना हम सीधा आ जाते हैं बच्चों इसके असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर. दो पार्टी, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी वही बातें जो आगे हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. जैसे पहला कहता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पिज्जा खाने चलोगे, आप सब लोग हाँ बोल देते हो, लेकिन हु इज ऑफरी?
ऑफर ही कौन है? तुम लोग नहीं, इतनी गलत कर। मैं ऑफरर हूँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ पिज्जा खाने चलोगे? मैं सिर्फ एक से पूछ रहा हूँ, उसने कुछ नहीं बोला, सब कह रहे हम जाएंगे हम जाएंगे। तो ये प्रॉपर ऑफर नहीं हुआ। और वैसे भी कहते हैं कुछ नहीं, एग्जाम्पल थोड़ा वैसा है कि जिसको ऑफर करना है सिर्फ उसी को ही मिले, उसके अलावा सबको पता चल जाता है, लेकिन जिसको ऑफर मिलना है उसी को पता नहीं चलता। ये स्कूल लाइफ में होता है कि मेरे को एक लड़की पसंद थी, उस लड़की के अलावा पूरे स्कूल को पता था कि मेरे वो पसंद है, ठीक है। सो ये नॉर्मली होता है। अब सिमिलरली आप किसी से कोई चीज परचेज करना चाहते हो, आपको किसी की एक चीज परचेज होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त था, उसके पास गियर वाली साइकिल थी, मुझे पता था वो सेल करेगा, मैं खरीदना चाहता था। मैंने अपने बाकी दोस्तों को बता दिया मैं उसकी साइकिल खरीदूंगा, और जब मैं उसके पास गया ना वो साइकिल बेच चुका था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरा ऑफर कभी उस तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, इसलिए प्रॉपर ऑफर कभी हुआ नहीं। तो प्रॉपर ऑफर के लिए सबसे पहली चीज क्या है, ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, वरना ऑफर ही नहीं होगा। नेक्स्ट कहते हैं द ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट नॉट वेग एम्बिग्यूस एंड इसे बच्चों अनसर्टेन करो, जो लास्ट में सर्टेन लिखा है। ठीक है बच्चों, तो कहता है ए ऑफर टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, दिस ऑफर इज अनसर्टेन, देयर इज नथिंग शो दैट काइंड ऑफ ऑयल इज इंटेंड। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं आपको तेल बेचूंगा, आप कहते हो सर कौन सा तेल बेचोगे? तो ये चीज स्पेसिफिक नहीं है, या सर्टेन नहीं है, या फिर डेफिनेट नहीं है। हर चीज का डेफिनेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको कहा कि मैं पिज्जा खिलाऊंगा, तो इसने हाँ कह दिया। अब मेरे पास ना वैरायटी है, आपको पता है 30-30 रुपए के पिज्जा भी आते हैं, मैं तो ऑफकोर्स वही खिलाऊंगा, तो यहाँ पे वो फंस जाएगी। तो सर ये क्या है, मैंने तो वो सोचा था चीज क्रश और उस हाँ चीज क्रश चीज ब्रश ब्रश जो सब वैसा वाला कोई पिज्जा है, और जिसमें तो वो उबलते उबलते ऊपर को आते हैं ना, वो टूटते हैं ऐसे। खाने का एग्जांपल नहीं लेना, चलो बेकार हो जाए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। जहाँ पे कोई भी ऑफर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता, तो वो ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता। ऑफकोर्स वो एग्रीमेंट बना देगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट कहते हैं द ऑफर मस्ट हो गया, ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफर, जो पूरा का पूरा ऑफर है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपको ये फोन बेचूंगा 10,000 रुपए का, मैं फोन आपको बेचूंगा और आपसे 10 रुपए लूंगा, इतना बोला ही था। इतना धीरज कहता है सर मैं खरीदूंगा, और मैं पूरा बोलने वाला था ये फोन ले गया, और पूरा मैं ये बोलता कि मैं आपको फोन लूंगा आपसे 10 रुपए लूंगा अभी, और बाकी 9,990 लूंगा अगले महीने। ये पूरा ऑफर कम्युनिकेट होने से पहले ही ऑफर ले गया, फोन ले गया मेरा, क्या होगा, क्या ऑफर वैलिड माना जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि कंप्लीट ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। नेक्स्ट कहता है बच्चों काउंटर ऑफर, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। काउंटर ऑफर मतलब कि आप काउंटर मतलब होता है बच्चों जब सामने से जाके आप किसी चीज को फेस करते हो, दैट इज कॉल्ड काउंटर। एनकाउंटर सुना है ना, जब पुलिस एकदम सामने से आके मार भी देती है, दैट इज कॉल्ड एनकाउंटर। सो ऐसी एनकाउंटर करते हैं हम किसी के ऑफर का, ठीक है। धीरज कहता है सर मुझे 500 रुपए में पढ़ा दो, मैं कहता हूँ नहीं मैं तुझे 500 रुपए में पढ़ाऊंगा। धीरज कहता है नहीं सर मेरे को 500 में पढ़ा दो, मैं कहता हूँ नहीं मैं पढ़ाऊंगा ही 500 में तुझे। तो वो क्या रहा है, एक ही चीज है, एक दूसरे की इग्नोरेंस की वजह से, किसी भी वजह से हमें वो ऑफर समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो मैं उसको बोल रहा हूँ बदले में वही मुझे बोल रहा है। सॉरी दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, ये क्रॉस ऑफर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा ही एक होता कि एक बार ना शालू अपने साइकिल को देख रही होती है, कुछ बैठ के ना ऐसे मतलब लोग साइकिल पे बैठ के टायर को देख रही होती है, इतने में इतिका आती है, इतिका बोलती है पंचर हो गया क्या? शालू कहती है नहीं यार पंचर हो गया। तो इतिका कहती है अच्छा मुझे लगा था पंचर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर, एक ही बात है रिपीट होती रहती है ड्यू टू इग्नोरेंस, जैसे सीआईडी में होता है सर ये मर गया
ओ लगता है ये मर गया। दया पता करो। हाँ सर, इसकी नब्ज भी नहीं चल रही। ओ कैसी सांस भी रुकी हुई है। दिस इज व्हाट इज क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मतलब दो बंदे क्रॉस में एक ही बात को रिपीटेडली कहेंगे, बट ड्यू टू इग्नोरेंस एक दूसरे की सुनेगा नहीं, और वो क्रॉस ओवर कभी भी प्रॉपर ऑफर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब किसी ने मेरे को एक ऑफर दिया, मैंने उसमें कुछ एडिशनल कंडीशन लगा के उसका एक नया ऑफर बना दिया। नया ऑफर का मतलब ये पुराना ऑफर खत्म कर दिया। सो जैसे धीरज ने कहा सर फोन दे दो 10,000 रुपये का, मैंने कहा ठीक है तू फोन ले ले 10,000 रुपये का, लेकिन बदले में मुझे कुछ और भी दी। कुछ और देने का मतलब एक कंडीशन मैंने और ऐड कर दी। नॉर्मल अगर फोन और पैसा रहता तो ठीक था, और कंडीशन ऐड हो गई तो मैंने पुराने ऑफर को खत्म करके एक नया ऑफर क्रिएट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द ऑफर मस्ट नॉट थर्स्ट द बर्डन ऑफ द एक्सेप्टेंस। थर्स्ट को काट के बच्चों लिख दो पुट। ये कितना भारी वर्ड है थर्स्ट, थर्स्ट, इसको कर दो पुट, पुट पी यू टी डालना। तो कहता है द ऑफर मस्ट नॉट पुट द बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि जैसे मैं कहता हूँ किसी को कि भाई मेरा फोन ले लो 1,00,000 रुपए का और बंदूक लेके कि एक्सेप्ट कर इसे। तो जब मैंने बंदूक लेके करा है बर्डन लेके, ये तो क्वेश्चन हो गया ना। और यही कहता है कि एक्सेप्टेंस देना, बंदा अपना एसेंट देगा। एसेंट मतलब होता है एकदम खुले तरीके से अपनी हाँ देगा। और अगर एसेंट नहीं दे रहा है या फिर किसी भी विवादित तरीके से उसने दिया है, आपने उसको मेंटली उसका ब्रेन वॉश किया है, मेंटली इन्फ्लुएंस किया है, या फिजिकली उसको टॉर्चर कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, तो वो नॉर्मल ऑफर नहीं माना जाएगा। नॉर्मल ऑफर सिर्फ वही है जहाँ पे आपने उस पर छोड़ दिया वो यस बोले या नो बोले। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कहता है द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर, कि ऑफर देना और इनविटेशन टू ऑफर डिफरेंट होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है इशू ऑफ शेयर बाय अ कंपनी। जब कंपनी शेयर इशू करती है न्यूज़पेपर में कहती है कि भाई हमारे शेयर इशू है, जिसको लेना है वो अप्लाई कर दो। अब मैं कंपनी हूँ, मैंने शेयर इशू करने की वो डाली पेपर में एडवर्टीजमेंट, आप सबने 100-100 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया और कंपनी के पास सिर्फ 10 ही शेयर थे जो लोगों को दे रहे हैं। अब जब आप सबने 100-100 शेयर कर दिया तो मैंने धीरज को 10 दे दिए, बाकी सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो आप सब लोग चले गए पुलिस में कोर्ट के पास कि इन्होंने पहले तो ऑफर दिया कि शेयर्स ले लो, जब हम मांगने गए तो इन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैंने आपको ऑफर नहीं दिया था कि मैं आपको शेयर दूंगा, मैंने आपको इन्विटेशन टू ऑफर दिया है कि आप आके मुझे बताओ कि कितने शेयर आपको चाहिए, कि आपको शेयर लेने हैं। Then I will decide whether I have to give or not. That means मैं यहाँ पे accept कर रहा हूँ offer आप दे रहे हो। मैंने आपको क्या दिया? Invitation to offer. मैंने आपको invite किया offer देने के लिए। जैसे discount में वैसे ही होता है। Discount देता है mall में। तो जो discount दे रहा है वो invitation to offer कर रहा है ना? बिल्कुल invitation to offer। लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया। ये second वाला second वाला क्या? हमारे पास काइंड ऑफ ऑफर सबसे पहले आता है एक्सप्रेस ऑफर, बताने की जरूरत नहीं है। आपने रिटर्न में दे दिया, आपने किसी को ओरली बोल दिया। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या है? आप सैलून में गए, उसकी चेयर पे बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है? आपको एक ब्यूटी सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर होता है जो किसी एक स्पेशल बंदे को, किसी स्पेशल क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है, या किसी एक सिंपल बंदे को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं CMA पढ़ाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा? ऑफकोर्स CMA स्टूडेंट्स को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट एकदम फ्री होता है। मैं कहता हूँ कि जो भी बंदा मेरे को आज पहला दिखेगा कोई भी, उसके साथ उसको मैं 1,000 रुपये दूंगा। तो ये एक जनरल ऑफर है कि मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर अभी हमने कर लिया, एक बंदा सेम वही सेम बातें चलती रहेगी। याद ना है क्रॉस ऑफर तो दिमाग में वो बनाना, शालू साइकिल ठीक कर रही है, दिखा रही है, ठीक है, इसको याद करना, याद रहेगा। पंचा
नहीं क्रॉस ऑफर था सर, बता रहे भाई चीज ये भी बता रहे भाई। अच्छा नेक्स्ट आगे बच्चों काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर जहाँ पे आपने एक बंदे के ऑफर को काउंटर करके खत्म कर दिया और नया ऑफर उसको दे दिया। फॉर एग्जांपल धीरज ने कहा कि सर मेरे को आपका, मैंने कहा कि धीरज मेरा फोन ले ले 10,000 में, तो धीरज ने कहा सर मैं आपको फोन के साथ कैलकुलेटर भी लूंगा 10,000 में। तो इसने एक नई चीज कॉन्ट्रैक्ट में या ऑफर में ऐड कर दी, तो मेरा ऑफर खत्म हो गया, अब इसका ऑफर है वेदर आई एक्सेप्ट और नॉट, यहाँ पे मैं ऑफर ही बन गया। नेक्स्ट कहता है स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूस ऑफर, वो ऑफर जो खुले हुए रहते हैं, जैसे एक ऑफर है जिसमें कहते हैं लास्ट डेट 31 है, तो 31 तारीख तक वो ऑफर ऑन है। जैसे 10 अक्टूबर को आपके एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट होती है, तो 10 अक्टूबर तक वो एक कंटिन्यूस ऑफर है। ओके नेक्स्ट आता है बच्चों लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स का मतलब है डूब जाना, खत्म हो जाना, कि एक ऑफर कब खत्म हो जाता है। सबसे पहले कहता है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन आकाश? रिवोकेशन मतलब, रिवोकेशन मतलब होता है नहीं पता तो ना कह देना वापस ले। अरे वाह बड़ी जल्दी। जैसे कि एक टाइम, जैसे कि कोई ऑफर दे दिया आपके एक्सेप्ट करने से पहले हम वापस ले, बिल्कुल दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब वापस लेना है, एंड वापस में भी याद रखना है जब वापस हम वही चीज़ ले सकते हैं जहाँ पे आपका हक बनता है या राइट हो, राइट की ही वापसी हो सकती है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मेरी एक ऑब्लिगेशन है कि मेरे को किसी को 1,00,000 रुपये रिटर्न करने हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन रिवोक कर रहा हूँ, तो आप अपनी ऑब्लिगेशन को रिवोक कर ही नहीं सकते, रिवोक सिर्फ और सिर्फ राइट हो सकते हैं। सिमिलरली आपने किसी को ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया अभी, और एक्सेप्ट करने से पहले कहते हो कि भाई मैं रिवोक कर रहा हूँ, ये ऑफर अब वैलिड नहीं है, तो ऑफर जो भी था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट कहता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। मैंने आपको कहा था कि पिज्जा किस किस को खाने में चलना है, जो भी 10 माइक्रो सेकेंड में आंसर देगा उसको मैं लेके चलूंगा। टाइम लैप्स हो गया, ऑफर लैप्स हो गया, वो यूं कर रहा है ऑफर टाइम बेटा दोनों लैप्स हो गए। ठीक है नेक्स्ट कहता है बाय फेलियर टू एक्सेप्ट द कंसिडर कंडीशन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब ऑफर को पूरा करने के लिए कुछ कंडीशन दी गई थी, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर, जिसने वादा किया था, जिसने ऑफर दिया था, वो या तो पगला जाए या फिर भगवान को प्यारा हो जाए, दोनों केस में। नेक्स्ट कहता है भाई काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में पता है आपको जो पिछला ऑफर होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कहता है भाई नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। जिस तरीके से ऑफर एक्सेप्ट करने को बोला गया, आपने वैसे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट कहता है बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरिंग, सामने वाले ने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो आपका ऑफर खत्म हो गया। नेक्स्ट बाय चेंज इन लॉ। चेंज इन लॉ वाला वही था कि मैं किसी के साथ कर रहा था ऑफर, लॉ में चेंज आया, अब मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, खत्म। ठीक है बच्चों इतना ही रखें। आपको लग रहा होगा आपने कम किया, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने करी है, तो आप आराम से इसको पढ़ना। ये तो होमवर्क है आपका, प्लस वो जो LLP वाला है उसको और पढ़ लेना, एंड प्लस नेक्स्ट क्लास में। अच्छा मुझे तेरी लॉ की किताब है यहाँ, ठीक है तो सब यही लेके आना, हम पार्टनरशिप एक्ट भी करेंगे।